ऑलराइट, आई गेस दिस इज इट राइट, लॉग वन। आई एम एक्साइटेड पूरा घूमने फिरने के लिए, वेगस का कंटेंट दिखाने के लिए। अभी सुबह के यहाँ 5 बज रहे हैं, मेरी फ्लाइट है 8 बजे की, तो मैं निकलता हूँ घर से बाहर एंड आई शो यू ऑल द वे, एंड फिर मिलते हैं कभी पोकर टेबल पे भी। अपार्टमेंट के बाहर निकलते हैं एंड ताला लगाते हैं। टैक्सी आ गई है, आ गई है, आ गई है। चलो फाइनली एयरपोर्ट तो पहुंच गए हैं। यहाँ पर ठीक ठाक पहुंचा दिया भाई टैक्सी वाले ने। यार भरोसा नहीं। ये अपने साथ ही क्यों होता है हमेशा? ये क्यों होता है अपने साथ है हमेशा? मतलब कभी ऐसा हुआ है कि मैं एयरपोर्ट से आया हूँ और दिक्कत नहीं हुई है? बिल्कुल दिक्कत हुई है। बताता हूँ डिटेल में बताता हूँ। पर चलो हो गया, टिकट तो हो गया। यहाँ से ये गिफ्ट एरिया और ये सब जो होता है वहाँ से निकलते हुए गेट की तरफ जा रहा हूँ, तो एले तो पहुँच रहा हूँ, ये तो पक्का है। हर बार ना यूएस जाते हुए नई चीज़ सीखनी ही पड़ती है। आज अलग ही चीज़ सीखने को मिल गई कि मैंने फ़्लाइट टिकट बुक कर दिए थे लेकिन कंफर्म भी करने पड़ते हैं। यूनाइटेड ने अलग ही दुनिया दिखाई है। ट्विटर व्विटर पर तो दिखता रहता है, यूएस वाले रोते रहते हैं। अरे पता नहीं, यहाँ अलग ही सिस्टम है यार। पर्सनल बैग का भी अलग है, फिर कैरी ऑन बैग का भी अलग है, फिर हर चीज़ का पहले रेट दिखाएंगे एक एंड देन यू एंड अप पेइंग लाइक 3 times। पता नहीं क्या हिसाब हुआ, बट थैंकफुली आई गॉट द टिकट। टिकट मिल गया। अपने साथ होती रहती है ये सब चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मम्मियाँ होती साथ में, इतनी टेंशन हो जाती है उन लोगों को इन चीज़ों में। पर क्या है, गाड़ी तो स्वाइप करना है, पैसा ही तो है। कोई नहीं, ये सब हो गया, अब निकलते हैं, अब पहुँचते हैं और एलए में जाके मज़े करते हैं। चलो बोर्ड करते हैं प्लेन। चलो अपनी सीट पे तो पहुंच गया। थोड़ा किस्मत भी अच्छी है, आज की फ्लाइट खाली है, इसीलिए शायद मुझे टिकट ठीक ही ठाक रेट पे मिल गई। वरना एक नंबर था जो मैं खर्च करने को तैयार था, वरना उसके अलावा मुझे कहीं और कोई और फ्लाइट देखनी पड़ती। और हम पहुंच चुके हैं लॉस एंजलिस। अब एक बार समझ लो भाई, देखो अपने यहाँ ही नहीं होता है, सिर्फ ये हर जगह ही होता है। चलो यूएस लैंड हो गए, अब इमिग्रेशन और कस्टम्स पार करता हूँ। उसमें हमेशा मसाला होता है तो उसके बाद ही बताता हूँ, अभी तो कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सही है यार, इमिग्रेशन और कस्टम्स तो काफ़ी अच्छी तरह निकल गया है यहाँ पर, कभी ऐसा नहीं हुआ। और बस शटल पकड़ के जहाँ पर मैंने गाड़ी रेंटल ले रखी है वहाँ जा रहे हैं, तो मस्ती गाड़ी मिल गई। इतना टाइम भी नहीं लगा यार, मतलब 10 मिनट लगे कार में और वहाँ से तो उसमें आ गया था मैं। फ्री जो शटल मिलती है और फिर गाड़ी भी अच्छी सी है। बस ये इसलिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बाद में मतलब कुछ अनसंट हो रखा हो, यू हैव टू गो अराउंड एसेंशियली देखने के लिए कि क्या क्या कुछ ख़राब हो रखा है यहाँ पर। इसके साथ पीछे कुछ हो रखे हैं, बाकी तो ठीक ही है। अच्छी लग रही है गाड़ी एंड लेते हैं ऐसे, फिर चलते हैं। यहाँ बस डालते हैं एग्जिट का टोकन, एक्सेप्ट कर ले भाई एंड हो गया। चलो लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से गाड़ी वाड़ी लेके पूरा अपने एयरबीएनबी के पास में पहुँच गए हैं। अभी थोड़ा चेक इन थोड़ा लेट है क्योंकि टाइम जोन गेन किया है यार, 2-3 घंटे गेन किया है मेक्सिको कंकून से एलएक्स आने में, तो 2 बजे का चेक इन है, इसलिए मैं आ गया हूँ। यहाँ एक फूड कोर्ट पूरा है यहाँ पर खाने पीने के लिए। एंड मैं यहाँ एलए क्यों आया हूँ, क्योंकि ये मुझे सबसे मस्त प्लान लगा। क्या लगा कि मीटअप गेम है एंड्रू नीमी और ब्रैड ओवन का कल और परसों, और उसको खेलने के बाद में अगर मैं वेगस जाता हूँ तो बहुत सारे मस्त WSBT टूर्नामेंट्स। अब अमेरिका में ड्राइविंग के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँ क्या? पहली चीज़ देखो इंश्योरेंस ले लेना, दूसरी चीज़ ये जो पूल होता है ना ड्राइविंग पूल, उसमें मत चलाना अकेले, ज़्यादा लोग जो होते हैं तब उनमें चलाने देते हैं। तीसरी बात, अगर इंडियन रोड पे गाली देते हो तो यहाँ हॉर्न इक्विवेलेंट है, बस ऐसा ही है। और कहीं पर अगर स्टॉप लिखा हो ना
रेसिडेंशियल एरिया में, तो गाड़ी बिल्कुल हॉल्ट करके फिर आगे बढ़ानी है। मैं अपने इंडियन दोस्तों के साथ कभी एक बार यहाँ घूम रहा था, वो बोल रहे भाई सब कुछ खाली तो है, तू रुक क्यों रहा है, अभी पप्पू आ जाएगा अपना चालान काटने के लिए। तो ऐसा है US में चलाने का, मैं काफ़ी बार चलाया उसमें, थोड़ा अकस्टम्ड हो गया हूँ, लेकिन अगर पहली बार आओगे तो ये ज़रूर समझना। एंड खाना खा के दिखाता हूँ मैं पूरा Airbnb, और अगर तुम भी खेलना चाहते हो तो अभी स्पार्टन पोकर का चल रहा है यार IOPC, डे वन मैंने स्ट्रीम किया था, लॉन्च पार्टी में 500 रुपये बाय इन में 2.6 लाख मिला, मैन क्या ROI है। सो IOPC ऑफ कोर्स इज द बिगेस्ट सीरीज इन इंडिया एंड आई एम रियली रियली ग्लैड दे आर स्पॉन्सरिंग माई ट्रैवल एंड पोकर कॉन्टेंट। तो 33 करोड़ में से तुम कितना ले जाने वाले हो, लीडर बोर्ड प्राइस अलग। मुझे ना बहुत दिनों से फो खाने का मन कर रहा था, तो अब LA में आए हो तो यहाँ वियतनामीस फूड बहुत अच्छा मिलता है। सबसे अच्छा फूड कहाँ मिलता है वियतनामीस? कॉमर्स कैसीनो। सही बात बोल रहा हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा। तो ये देखो, ये मैंने ऑर्डर कर दिया है अपना फो, ये है मेरा स्प्रिंग रोल्स और सब, स्प्रिंग रोल भी नहीं है तो पेपर रोल्स बोलते हैं इनको, एंड इधर वेजीज, और अभी मेरा मैंगो स्मूदी आ रहा है। इनके ये पेपर रोल्स बहुत मज़ेदार लगते हैं मुझे, ज़रा एक बार टेस्ट करके देखा जाए। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ये आ गई अपनी स्मूदी भी, तो पूरी तैयारी के साथ करके आए थे, सोच के आए थे हमें क्या चाहिए। आई थिंक अगर एक लोकेशन बोलूँ जहाँ मैं सबसे ज़्यादा लाइव पोकर खेला हूँ इंडिया के अलावा, एज इन कोई सिटी इंडिया में के अलावा, वो होगा लॉस एंजलिस। आई थिंक यहाँ पर मैं कभी कभी एक दो महीने के स्ट्रेच के लिए भी रुका हूँ। कॉमर्स को तो अपना घर ही बना लिया था। सो एक कॉमर्स कैसीनो में एक रनिंग जोक है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना? कॉमर्स कैसीनो। इतने चाइनीज लोग खेलते हैं ना वहाँ, बाप रे। मतलब बिल्कुल मज़ेदार था यार जो मैं खाने आया था ना, मतलब जो खाना खाने आया था वही मिला। उसके बाद अब थोड़ा पानी ले लेते हैं, यहाँ बोतलें लेनी पड़ेंगी, एंड उसके बाद घर चलते हैं। ओके फाइनली यार, इतनी थकान, 2 बजे का चेक इन था यहाँ पर, इसलिए पहुँच गया मैं अब Airbnb में भी। एंड ये सिर्फ कमरा है, एंड इसका रेंट 3 दिन का होता है, जितना मैं मैक्सिमम 15 दिन देख रहा था, तो एक बार देख लो। और बाथरूम भी बाहर है, और दिखाता हूँ ये कमरा, तो बस इधर बिस्तर मिलता है सिर्फ, एंड वहाँ थोड़ा बैठने की जगह, एंड प्रिटी मच ये सीन, एंड सामने TV। ये है तुम्हारा कैलिफोर्निया। इतना महंगा है ना कैलिफोर्निया, मैं मजाक नहीं कर रहा, जब भी आया हूँ। लोकल टाइम हो रहा है यहाँ 3:30-4, मैं जा रहा हूँ सोने, उठते हैं 2-3 घंटे में, उसके बाद देखेंगे यार जो होगा। जल्दी व्लॉग ख़त्म भी करना चाहिए, उसके बाद टीम को भी भेजना है, उन लोगों को भी काम करना है, पर अभी नहीं, थोड़ा कुछ तो करेंगे और। 2 hours later. चलो कम से कम 2 घंटे का रेस्ट तो मिल गया, एंड मैंने अपनी फाइल्स अपलोड लगा दी थी, तो टीम काम करनी शुरू हो गई है, इसलिए कंटेंट आएगा ही आएगा तुम सबको। एंड अब थोड़ा सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। सॉल्यूशन किसके ढूंढने हैं कि पैसा, कल जो गेम खेलने हैं उसके लिए पैसा कैसे चाहिए। अपना कल फोरेक्स कार्ड में 5,000 रुपये अपलोड किए थे, सो प्रॉब्लम इज़ आई कॉन्ट विड्रॉ ऑल, क्योंकि लिमिट होती है फोरेक्स कार्ड की भी, तो जाके देखते हैं कितना विड्रॉ कर पाते हैं। थोड़ा बहुत पैसा है मेरे पास, बट कल के गेम्स के लिए और परसों के गेम्स के लिए और फिर वेगस के लिए पैसा निकालते ही रहना पड़ेगा। तो अभी वहाँ जाते हैं, अभी हसलर्स कैसीनो घूम के आते हैं यार, एक बार देखे तो कल खेलना है, जाओ अंदर जाके 1-2 गेम खेल के आते थोड़ी देर के लिए। आप रुको भैया, निकाल रहा है मेरा पैसा शायद। वुड यू लाइक अ रिसिप्ट? नो रिसिप्ट, टेक योर कार्ड। अरे मान गया यार शायद, होली शिट बोल रहा है टेक योर कैश। कोई बोल रहा होगा भाई ये कैसे बात कर रहा है किससे भी, ठीक है गुड निकल गया, थैंक यू, एंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट, नो आई एम फिनिश्ड। हो दैट्स व्हाट शी डिड नॉट से, शी इज़ फिनिश्ड, ठीक है। तो चलते हैं अभी हसलर कैसीनो, वहाँ कल गेम है, इस पैसे का वहीं इस्तेमाल करना है, एमिनेशन की तरह इस्तेमाल करना है इस पैसे को वहाँ पर। एक राउंड मार के आते हैं, पूरा दिन थका हुआ हूँ तो वहाँ एक थोड़ा देर खेल सकता हूँ, एंड उसके बाद वापस आके सोते ही हैं। तो अभी का प्लान सीधा हसलर कैसीनो जाओ, देखो वेखो, एंड फिर वापस रूम पे आते हैं। वो बैकग्राउंड में हल्का सा दिख रहा है कैसीनो। सो हसलर पहुँच तो गए हम, एंड बढ़िया, आज गेम देखता हूँ क्या क्या है, क्या चल रहा है, एंड कल रिकॉर्डिंग अलाउड होगी तभी दिखा पाऊँगा। तो ऐसा करते हैं, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, होपफुली यू गाइज लाइक इट, एंड जल्दी से पोस्ट करते हैं इसे, एंड कल के व्लॉग में जब खेलते हुए दिखा दूंगा मैं, तब मज़ा करेंगे, तब देखते हैं पोकर एक साथ,
एंड थैंक्स अगेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.